हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी WhatsApp पे वीडियो कॉलिंग नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम WhatsApp पे वीडियो कॉल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने WhatsApp यहाँ पे खोला हुआ है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा जो वीडियो कॉल है वो क्यों नहीं हो रहा है। WhatsApp में हमारा जो वीडियो कॉल है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिस तरह से मैं प्रोसेस करने जा रहा हूँ उसी तरह से आपको भी सेम प्रोसेस करना है, उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ से आप बाहर आ जाइए। जो मैं स्टेप्स आपको बताने जा रहा हूँ उसे आपको सबसे पहले फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे, ये सबसे पहला स्टेप है। प्ले स्टोर पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है WhatsApp। WhatsApp सर्च करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा WhatsApp यहाँ पे खुल के आ गया है। अगर आपका कोई भी अपडेट आया हुआ है, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा अपडेट आया हुआ है, तो अगर आपका ये अपडेट आया हुआ है तो सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक करके इसे अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है। अगर आपका WhatsApp अपडेट नहीं होगा तो ये वीडियो कॉलिंग में प्रॉब्लम देता है, तो इसलिए सबसे पहले तो आपको ये अपडेट कर लेना है। देख सकते हैं मेरा अपडेट हो गया है। अब यहाँ से हम बाहर आएंगे और अब आपको चेक करना है कि अब आपका वीडियो कॉल हो रहा है या फिर नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो अब आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे आपको नीचे जाना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐप लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अब खोजना है WhatsApp को। यहाँ पे WhatsApp ढूंढ सकते हैं या फिर ऊपर में सर्च कर सकते हैं WhatsApp, और ये हमारा WhatsApp आ गया। WhatsApp पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नीचे परमिशंस देख सकते हैं इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका जो कैमरा का परमिशन है वो यहाँ पे अलाउ है कि नहीं, क्योंकि वीडियो कॉल है तो हमारा कैमरा का परमिशन यहाँ पे होना चाहिए, तभी हमारा वीडियो कॉल हो पाएगा। तो कैमरा पे क्लिक करेंगे और इसे अलाउ कर देंगे। अगर आपका अलाउ है तो फिर कोई बात नहीं है, और फ़ोन का जो परमिशन है इसे भी आपको अलाउ करना है, ये दोनों परमिशन अलाउ होना चाहिए। देख सकते हैं मैंने कैमरा और फ़ोन दोनों का परमिशन अलाउ कर दिया है। अगर ये अलाउ नहीं है तो आप में अलाउ कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से हम काट देते हैं। और अब आपको चलना है WhatsApp पे और अब आपको देख लेना है WhatsApp पे वीडियो कॉलिंग करके कि अब आपका जो वीडियो कॉल है वो अब जा रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक WhatsApp पे वीडियो कॉल करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ये एक चैट है, इस पे हम वीडियो कॉल करके देखते हैं। तो वीडियो कॉल पे क्लिक किया, यहाँ पे कॉल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा वीडियो कॉल है वो यहाँ पे जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिंग हो रहा है, यहाँ पे कोई भी वीडियो कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। अगर आपका भी इसी तरह से सिर्फ रिंग जा रहा है और कोई रिसीव नहीं कर रहा है तो आपको समझ जाना है कि अगला जो बंदा है जिसे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं वो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं है, इसलिए वीडियो कॉल यहाँ पे हमारा नहीं रिसीव हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप जिसे भी वीडियो कॉल कर रहे हैं उसे आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, जैसे हेलो हाय कुछ भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपका मैसेज में सिर्फ और सिर्फ सिंगल टिक रह गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल टिक ही रह गया है, तो यहाँ पे ये ऑनलाइन नहीं है। ऊपर में भी आपको स्टेटस में दिखा देगा ऑनलाइन है या नहीं, तो ये ऑनलाइन नहीं रहेगा तो आपको सिर्फ रिंग जाएगा, इधर से आपको पूरा रिंग जाएगा लेकिन उधर से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, कोई भी रिसीव नहीं करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन भी नहीं होता है, इसके कारण से हमारा वीडियो कॉल रिसीव कोई नहीं करता है। तो यही प्रॉब्लम होता है जिसके कारण से हमारा वीडियो कॉल नहीं हो पाता है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपका ठीक नहीं होता है तो आपको एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने WhatsApp का वीडियो कॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।